मैं आज आपको जीवाणु खाद से बीज का उपचार कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जैसे बीज लिया, उसको फंजीसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद लास्ट में आप उसके उसको जीवाणु खाद से उपचार करेंगे, और उसके बीच में आप कम से कम 1 घंटे का गैप रखेंगे, और उसके बाद जीवाणु खाद से उसका उपचार करेंगे। अब जीवाणु खाद का उपचार करने के लिए आपके पास आपको जो है एक पूसा संपूर्ण के नाम से जीवाणु खाद पूसा संस्थान में उपलब्ध है, उससे आपको बीज का उपचार करना है। इस पूसा संपूर्ण में 3 जीवाणु हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, दूसरा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है, और तीसरा पोटास की उपलब्धता बढ़ाता है। इसके अलावा आप पूसा संपूर्ण के साथ साथ जिंक, जो आजकल सभी धान की फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट से, उसके लिए जीवाणु खाद एक जिंक वाला जो जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है, उसका भी आपको उपचार बीज का करना है। तो पहले आप बीज का उपचार कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए जो पूसा संस्थान में पूसा संपूर्ण उपलब्ध है, जो 100 मिलीलीटर के तरल घोल के रूप में उपलब्ध है, वो आपको लेना है, और जिंक वाला जो घोल है वो तरल है, वो 50 ml के लिक्विड में उपलब्ध है। तो दोनों को आपको लेना है, और दोनों को आपको बीज की मात्रा के हिसाब से उसका डाइल्यूशन करना है, क्योंकि धान के आप देखेंगे नर्सरी के लिए आपको 20 किलो के करीब 1 हेक्टेयर के लिए बीज लेना है, उसको एक बीकर में जैसे हम उसका उसको मिला लेंगे पूसा संपूर्ण को, और इसके अलावा उसके साथ साथ हम जिंक वाला भी उसमें मिला लेंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास बीज हम कम ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने कम मात्रा ली है, मगर ये 1 cc जो है वो 1 एकड़ के लिए आपके पास है। अब हम बीज का उपचार करेंगे। इसके लिए हमने जो पूसा संपूर्ण और जिंक का घोल है उसको पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है, और उसको हम बीज के ऊपर धीरे धीरे मिलाएंगे, धीरे धीरे डालेंगे। उसके बाद हम हाथ से, जिसमें हमने ग्लाव चढ़ाया हुआ है, नंगे हाथ से ना करें, और उससे धीरे धीरे उसको मिला देंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारे बीजों के ऊपर हमारा जो जीवाणु का घोल है वो मिल जाए, और सारे बीज हमारे गीले हो जाएं। ये हमारा जीवाणु खाद का जो हमारा घोल है वो मिल जाएगा, और जब बीज सब अच्छे से गीले हो जाएं तो उसको फिर हम इसको हवा फैला देंगे, और उसको हवा में इसको सूखने के लिए रख देंगे। 1.5 घंटे में ये सूख जाएगा, उसके बाद हमको इसका नर्सरी में बुआई करना है, या खेत में जो हम एरोबिक राइस की बात करते हैं तो उसमें भी हम इसकी बुआई के लिए जा सकते हैं। पूसा संपूर्ण और जिंक वाला जो टीका है वो पूसा संस्थान में उपलब्ध है।